जयपुर के एमएनआईटी में आज से 3 दिवसीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर महेश कुमार ने बताया कि अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें लगभग 1,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अभी 18 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं और 10 गेम हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों के हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आई हुई हैं। इसमें अच्छे प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर भी आए हैं। ये 3 दिन तक चलेगा और 25 तारीख को शाम को 7 बजे इसका क्लोजिंग है। आज देखिए बास्केटबॉल सारे मैच चल रहे हैं, लीग मैचेस चल रहे हैं, ओके। एंड कल पब्लिक, कल से कल और परसों के दिन फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स होंगे। आज लीग चल रही है, डिफरेंट मैचेस में सारे, क्रिकेट का भी हो रहा है, क्रिकेट आपका फुटबॉल ग्राउंड में चल रहा है, फुटबॉल के मैचेस में चल रहे हैं, कबड्डी चल रहा है, वुमेन मेंस और बास्केटबॉल यहाँ चल रहा है, टेबल टेनिस अंदर है एंड बैडमिंटन के मैचेस चल रहे हैं। अलग अलग NITs, IITs, यूनिवर्सिटीज, NIT दिल्ली, ये सारे जगह से आए हैं। और अभी डबल्स की प्रतियोगिता यहाँ चल रही है बैडमिंटन की। बहुत सारे इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स हो रहे हैं, इनफॉर्मल इवेंट्स है, कल्चरल इवेंट चलेंगी यहाँ पर, राजस्थानी फोक कल्चरल प्रोग्राम भी है कल शाम हमारे यहाँ।